नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आज नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि नवमी है। घर घर माँ की घट स्थापना हुई, 9 दिन पूरी निष्ठा के साथ पूजा आराधना हुई और नवमी के दिन घर घर आज कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन भी किया गया। मैं भी करती हूँ, यह हमारा धर्म है, संस्कृति है हमारी। सुबह सुबह आज अचानक फोन पर एक बच्ची की पोस्ट सामने आई। मैंने आगे बढ़ना चाहा, सोचा स्क्रॉल कर दूं, लेकिन रुक गई। मैं स्क्रॉल कर ही नहीं पाई, पूरी सुनी और जब सुना तो आप यकीन नहीं करेंगे, आंखों में आंसू थे और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पोस्ट, या यूं कहें कि ये बच्ची जैसे अंदर तक झकझोर गई। इसमें बच्ची ने भ्रूण हत्या पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। एक छोटी सी बच्ची इस पीड़ा को इतने अच्छे से समझ पा रही है, तो हम तो बड़े हैं, हम तो सब कुछ समझने चाहिए, लेकिन क्या हम समझते हैं? मेरे मन में ये प्रश्न आया कि क्या वाकई हम ये जो कन्या पूजन करते हैं इसके लायक हैं भी? अगर ऐसा हम भी करते हैं या ऐसी सोच भी अगर हम रखते हैं, तो क्या हम ये पूजा करने के लायक हैं? इस पोस्ट को, इस कविता को पूरी सुनिए पहले आप। हालांकि ये वीडियो पुराना है, भाषा भी इसकी गुजराती है, लेकिन भाषा पर मत जाइए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बच्ची की बात आपके दिल तक डायरेक्ट पहुंचेगी। अगर आपको गुजराती नहीं आती है तब भी दावा है मेरा, देखिए पहले आप ये वीडियो। नहीं आबदी बुलबुल आमनी छे, थोड़ी कोशिश तू करजे, थोड़ी कोशिश हूँ करीस, मोटी थई ना मारा पग पर थई जाइस, पछी दहेज कोई मोटी बात नहीं रहे, एनो डर नहीं रहे, जोजे माँ मारा हाथ मा पण मेहंदी लागशे, शरणायो वागशे अने तारा आंगणा नो एक पंखी बनी ने हूँ उड़ी जाइस, तू मने अत्याथी न उड़ाड, हूँ तारो प्रेम इच्छु छू, माँ एक पुत्र माटे कोई मासूम पुत्री नो बलि आपवो ए केटली हद सुधी योग्य छे, आखरे महापाप तारा अने तारा पुत्र माथे ज चढ़से, नहीं नहीं आम क्यारे न थवा देती माँ, मारी प्यारी माँ बस हवे कृपा करी मने जन्म लेवा दे, मने मारीस नहीं, मने तारा बाग नो एक गुलाब नो फूल बनी ने खिलवा दे, मने करमावीस नहीं, परंतु कौन जाने स्त्रियो याज पुरुष प्रधान मा समाज मा जाति नियमो वलड़ो सामे हार मानी ने हत्या रेठा मुकी दीदा छे, के पछी पुरुष बनवानी आंधड़ी दोट मा स्त्री भूण हत्या मा कठोरता नु कवच ओढ़ी लीधु छे, शू तेने पोतानी शक्ति पर भी भरोसो उठवा लाग्यो छे, शू तेने पोतानी लाडक वाई बेटी पर भरोसो नथी, जो तेवु जोई तो કહેવાય છે, દીકરી દાદા દાદી માતા પિતા ભાઈ દરેકને સ્નેહના બંધનથી બાંધે છે, એટલે જ દીકરીની વિદાય વેળાએ દરેકની આંખોમાંથી આંસુ વહે છે, દીકરી એટલે પિતાનો સંસાર, દીકરી એટલે માતાનો આધાર, દીકરી એટલે ભાઈનો પ્યાર, આવો ત્રિવેણી સંગમ સાર્થક કરે એ જ દીકરી, જો દીકરો એ પિતાનું રૂપ છે પરંતુ દીકરી એ પિતાનું સ્વરૂપ છે, જો દીકરો એ પિતાનું હાથ છે પરંતુ દીકરી એ પિતાનું હૈયું છે, દીકરી તો રૂડી સમાજની મૂડી, દીકરી વિનાની જિંદગી અધૂરી, દીકરીનું સમાજમાં જાળવો માન, જાતિ જાણવા કદી ન કરાવ્યો નિદાન, મેં તો જોયા નથી માને
सृष्टि श्रेष्ठ कृति एवी जगत पिता द्वारा सर्जन थईने प्रभु नो आशीर्वाद लई જીવનો ને પ્રગતિ સીપતા અત્રે સતો કદી એ વક્ત ન થઈ શકે એવી મારી પ્યારી માં લિખિતન તારા પ્રેમનું પ્રતીક તારા ગર્ભમાં રહેલી તારી પપ્પાની પ્યારી પુત્રી બસ આટલું કહી શ્રી વાડોદરિયા પરિવાર જે મારા મામાનો પરિવાર છે હું તેની માણેજ છું અને જે મને અહીંયા બોલવાનો દેખા આપને उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो वही होगी माता को सच्चे श्रद्धा सुमन, वही होगी हमारी पूजा और वही माँ स्वीकार भी करेगी। अगर दोहरे चरित्र के साथ माँ को पूज भी लिया तो भी वो कभी खुश नहीं होगी। इस नवरात्रि पर ज़रूर सोचिए, ना तो खुद कभी ऐसा करेंगे और ना किसी को करने देंगे। अपने आस पास मौजूद महिला शक्ति का सम्मान कीजिए, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। शुभ नवरात्रि। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।